हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अवसरों का विश्लेषण के बारे में, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अवसरों का विश्लेषण करते समय विदेशी बाजार के संबंध में दो प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना आवश्यक है। पहली है, इसमें सभी सामान्य सूचनाएं जो कि प्रत्येक प्रकार के जो निर्यातक है उसके लिए आवश्यक होती है, चाहे उसकी वस्तु अथवा सेवा किसी भी प्रकार की क्यों न हो। इसे हम तकनीकी भाषा में सामान्य विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं। और दूसरा, वे सभी सूचनाएं जो संस्था की वस्तुओं के संबंध में होती है इसे हम विशिष्ट बाजार विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं। पहले हम बात करेंगे सामान्य विश्लेषण, जनरल मार्केट एनालिसिस के बारे में। सामान्य बाजार विश्लेषण का उद्देश्य विदेशी बाजार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। जैसे जनसंख्या, यानी संभावित विदेशी बाजार की जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या ग्रामीण व कितनी शहरी है, शहरों की संख्या, उनकी स्थिति, आकार, निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, उनकी आदतें, रीति रिवाज, व्यवहार एवं परंपराएं क्या है, उस जनसंख्या के जीवन मूल्य क्या है, धर्म, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का उस जनसंख्या पर कितना प्रभाव पड़ता है, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति उनके पूर्वाग्रहों की स्थिति, उसमें निर्यातक देश का क्रम आदि बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा का विस्तार किस सीमा तक है, जन सामान्य का शैक्षणिक स्तर क्या है, शिक्षा के कारण उनके क्रय व्यवहारों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वह किस और परिवर्तनों की भविष्य में संभावना है। शिक्षा परोक्ष रूप से व्यक्ति को विवेक सम्मत बनाती है, वह पढ़े लिखे ग्राहक वर्ग को संतुष्ट करके ही विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विदेशी ग्राहकों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, मकान किस प्रकार के हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी जो सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कल्ब, मोटर गाड़ियाँ, सिनेमा हॉल, होटल, वस्त्रों का प्रयोग किस सीमा तक है, इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके जीवन स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है संदेशवान के साधन, यानी कम्युनिकेशन मीडिया। व्यावसायिक संदेशवान के साधन किस प्रकार, स्तर व संख्या में उपलब्ध है, डाक तार सेवाएं, टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, वायरलेस, मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड सुविधाएं कितनी उपलब्ध है, इनके बारे में भी पूरी सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यापारिक परंपरा एवं व्यवहार, बिजनेस ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। निर्यात बाजार की परंपराएं एवं व्यवहार किस प्रकार के हैं, उनकी किस सीमा तक समानता भारतीय व्यापारिक परंपराओं एवं व्यवहारों से है, किस समय किसी अमुक वस्तु का अधिक विक्रय या क्रय होता है, विक्रय की कौन कौन सी विधियां वहां पर प्रचलित है, व्यापारिक व्यवहारों में नैतिक मापदंडों की स्थिति क्या है,
वितरण की सामान्य वाहिकाएँ किस प्रकार की है, किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए क्या कोई विशेष वितरण की वाहिका विद्यमान है, मेलों व प्रदर्शनियों की किस प्रकार की स्थिति व उनके प्रति जागरूकता निर्यात बाजार के ग्राहकों में कितनी है आदि बातों का पता लगाना। नेक्स्ट है बंदरगाह सुविधाएं, पोर्ट फैसिलिटीज, जिस देश को वस्तुओं का संभावित निर्यात किए जाने की निर्यातक सोचता है उस देश में बंदरगाह किस प्रकार के उपलब्ध हैं, उनमें कितनी भार क्षमता वाले जहाज रुक सकते हैं, माल को उतारने चढ़ाने आदि के लिए स्वचालित यंत्रों की उपलब्धता किस प्रकार है, क्या वह बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाज मरम्मत की सुविधाएं किस स्तर की उपलब्ध है, उन सभी के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, स्थानीय इकाइयों व अन्य देशों के उद्योगों द्वारा उत्पादित व निर्यात किए गए माल से हमारे उत्पाद को किस सीमा तक प्रतिस्पर्धा करनी होगी, प्रतियोगिता सामान्य मध्यम तीव्र या गलाकाट किस प्रकार की है, क्या किसी विशिष्ट देशों को प्रशुल्क नियमों के बारे में कोई विशेष रियायतें दी गई है, हमारे उत्पाद व निर्यातक फर्म किस प्रकार से इसका मुकाबला कर सकेगी, इसका मूल्यांकन करने के लिए सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक तंत्र, पॉलिटिकल सेटअप, किस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का प्रभुत्व उस देश पर है, राजनीतिक स्थित्व की क्या स्थिति है, विदेशी विनियोगों के बारे में सरकारी रुख व नीतियां क्या है, भारत के साथ उस देश की किसी प्रकार की व्यापारिक संधि है या नहीं, यदि संधि है तो उस पर भारतीय निर्यातों का उस देश के साथ कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है, आयात व निर्यात के बारे में क्रियाविधि किस सीमा तक जटिलता लिए हुए है आदि। नेक्स्ट है यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बंदरगाहों पर माल उतारने के पश्चात उसे देश के उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बंदरगाहों से उन स्थानों तक यातायात के किस प्रकार के साधन उपलब्ध है, जैसे सड़क, रेल, वायु, आंतरिक जल परिवहन सुविधाएं किस मात्रा व स्तर की उपलब्ध है, इन साधनों की क्या लागत पड़ेगी, इन लागतों को जोड़ने के पश्चात क्या निर्यात की जाने वाली वस्तु को वहां प्रचलित बाजार मूल्यों पर बेचा जा सकेगा आदि बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जिस देश को निर्यात किए जाने का विचार है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी सीमाएं किन किन देशों से मिलती है, उसकी समुद्री सीमा कितनी है, उस देश में नदियों, पहाड़ों, मैदानों की स्थिति कैसी है, उस भौगोलिक स्थिति का माल के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है आदि बातों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। मुद्रा एवं करारोपण, मनी एंड टैक्सेशन, निर्यात के बदले जो मुद्रा उस देश से प्राप्त होगी उसकी विनिमय दर क्या है, विनिमय दरों में स्थायित्व किस सीमा तक है, उस देश के द्वारा लगाए गए विभिन्न कर किस प्रकार के हैं, प्रशुल्क नीतियों के अंतर्गत लगाए कर किस प्रकार के व वस्तु के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि करने वाले हैं, इनका पता लगाना। एंड लास्ट है इसका आय, इनकम, संभावित विदेशी बाजार के ग्राहकों की आय की संरचना किस प्रकार की है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बचाने की आदत देशवासियों की कितनी है, बीमा के प्रति जागरूकता कितनी है, अपनी आय को वे सामान्यतया किन किन मदों में कितना व्यय करते हैं, विभिन्न समूहों की आय में
किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं व उनका कितना प्रभाव उनके क्रय व्यवहारों पर पड़ रहा है। इन सब बातों के बारे में निर्यातक को बाजार अनुसंधान के द्वारा उचित रूप से सूचनाएं प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर अंतर्राष्ट्रीय विपणन की अनुकूलता या प्रतिकूलता को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है इसका विशिष्ट बाजार विश्लेषण। निर्यातक को सामान्य बाजार विश्लेषण के साथ ही विशिष्ट बाजार विश्लेषण भी करना पड़ता है। इसमें निम्नलिखित जो बिंदु है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। परिमाणात्मक बाजार विश्लेषण, उपभोक्ता सर्वेक्षण, बाजार प्रवृत्तियों का विश्लेषण, प्रवृत्ति एवं राय अनुसंधान, ब्रांड स्थिति का निर्धारण, उत्पाद एवं पैकेज विश्लेषण, विक्रय संगठन एवं विक्रय क्रियाकलाप अनुसंधान, थोक एवं फुटकर व्यापार अनुसंधान, कीमत विश्लेषण एवं निर्धारण, वितरण लागत अनुसंधान, विक्रय अभिलेखों का विश्लेषण, विज्ञापन प्रति अनुसंधान, विज्ञापन माध्यम अनुसंधान, परीक्षण बाजारों में प्रायोगिक अभियान, विपणन एवं बाजारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटकों का अनुसंधान। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के सामान्य बाजार विश्लेषण एवं विशिष्ट बाजार विश्लेषण के द्वारा बाजार अनुसंधान करके निर्यातक विदेशी बाजारों का चयन कर सकता है, जो उसे न केवल अच्छी विपणन संभावनाएं प्रदान कर सके, साथ ही उचित लाभ व विनियोगों पर अनुकूलतम प्रत्याय भी प्रदान कर सके। और निर्यातक को उपलब्ध की गई सूचनाओं को नवीनतम तथा पूर्णतम बनाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि सही सूचनाएं और सही निर्णय लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।